नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, या फिर एक आम नागरिक हैं और आयुष्मान भारत योजना के भीतर आयुष्मान मित्र बनना चाहते थे, लेकिन जो है पिछली जो वैकेंसीज निकाली गई थी आयुष्मान मित्र की सरकार की तरफ से, उसके भीतर आयुष्मान मित्र नहीं बन पाए थे किसी कारण से, तो आप सभी के लिए इस बार बहुत अच्छा मौका है कि आप अपने घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आयुष्मान मित्र के लिए सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसका आईडी पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं और आयुष्मान मित्र को मिलने वाले बीआईएस पोर्टल और जो भी पोर्टल्स मिलते हैं उनकी एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। और उसके साथ में और क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों को पहुंचाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको इस तरह के नए नए वीडियोज़ मिलते रहे। और अगर आपने अभी तक वीएलई सोसाइटी मोबाइल ऐप पर ज्वाइन नहीं किया है, बिल्कुल कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बिल्कुल फ्री है। यहाँ से आप डायरेक्टली हमसे जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी बिना देर के मैं आपको इसके आगे का प्रोसेस बताने के लिए वीएलई सोसाइटी की वेबसाइट पे एक डिटेल आर्टिकल लिख दिया हूँ, लिंक मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से जाके आपको आयुष्मान मित्र रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या इसके भीतर बेनिफिट हैं और इसके भीतर क्या चीज़ें कैसे होंगी, उसके बारे में डिटेल आर्टिकल वहाँ पे मिल जाएगा। और इसमें जो भी आपके सवाल रहेंगे कमेंट बॉक्स में, उन सभी के आंसर भी मैं इसी पोर्टल पे अपडेट कर देता हूँ। और साथ ही यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिंक भी दे दिया है, जहाँ से जाके आपको आयुष्मान मित्र के भीतर जो भी भर्ती चल रही है या जो भी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं उसके भीतर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली से यहाँ पे जो मैंने लिंक दिया है वेबसाइट के वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आपको सिंपली से इस वेबसाइट पे आ जाओगे, जो pmjy.gov.in आयुष्मान भारत योजना यानी कि जन आरोग्य योजना की ऑफिशियल वेबसाइट है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की, यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद आप मेनू पे क्लिक करेंगे या फिर मैं डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली आयुष्मान मित्र वाला पोर्टल जो है, जहाँ से आयुष्मान मित्र का लॉगिन होता है और साथ ही जहाँ से रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसके ऊपर आ जाओगे, जिसके भीतर कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा कि आरोग्य मंथन 3.0 के भीतर जो है, अब आरोग्य मित्र यानी कि आयुष्मान मित्र इनिशिएटिव के भीतर क्या है कि अभी सरकार ने लगभग 55 करोड़ जो सिटीजन्स हैं जिनको आयुष्मान मित्र के भीतर यानी कि आयुष्मान भारत योजना के भीतर लाभ दिया जाना है, उनको सही से इसका लाभ मिल सके, उसके बारे में जानकारी मिल सके। क्योंकि अभी तक जब भी आयुष्मान मित्र की भर्तियाँ हुई थी, काफ़ी शिकायतें आ रही थी कि आयुष्मान मित्र सही से काम नहीं कर रहे। तो अभी सरकार ने क्या किया है, ऑनलाइन पोर्टल दे दिया है, जहाँ से जाके कोई भी भारत का नागरिक आयुष्मान मित्र के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है और आयुष्मान मित्र की जो आईडी है वो बनवा सकता है, उससे लॉगिन कर सकता है, देख सकता है कि आपके क्षेत्र के कौन कौन से लोगों के इसमें नाम है, कोई अवेलेबल है या नहीं है, यानी कि कोई एलिजिबल है या नहीं है, किसका बन सकता है किसका नहीं बन सकता है, और उसको अस्पताल में कोई दिक्कत आ रही है या अस्पताल कौन कौन से अवेलेबल हैं, कौन सी स्कीम्स उसके भीतर हैं, कौन से उसके राइट्स हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकता है। और तीन जो पोर्टल मिलेंगे उसके बारे में भी बताऊंगा क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे। और जो विलेज की जो लिस्ट होती है, कौन से गांव के कितने लोग इसमें एलिजिबल हैं, ब्लॉक के कितने लोग एलिजिबल हैं, डिस्ट्रिक्ट में आपके कितने लोग एलिजिबल हैं, उसकी लिस्ट भी डाउनलोड करने का तरीका बताएंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि इस वेबसाइट पे भी मैंने सारे डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेगा और क्या क्या चीज़ें आपको किस तरीके से पोर्टल का लॉगिन करना है वो भी लिख दिया है, तो वहाँ से जाके आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जाके आपको देखो क्लिक हेयर टू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे जाओगे तो देखो सेल्फ रजिस्ट्रेशन लिखा है, आयुष्मान मित्र रजिस्ट्रेशन लिखा है, अप्रूवल लॉगिन लिखा है, आयुष्मान मित्र लॉगिन लिखा है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, आयुष्मान मित्र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको मोबाइल नंबर आधार नंबर डाल के सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा, जहाँ पे इसको टिक करके आपको अगेन से सबमिट करना है। तो जो भी आधार से लिंक आपका नंबर है, अगर मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक नहीं है तो ये ओटीपी नहीं आ पाएगा, और अगर आपका नंबर लिंक है तो उस पर एक वन टाइम पासवर्ड आएगा जो आपको देख के वहाँ से आपको इसमें फिल करना होता है। वैलिडेट क्लिक करने के बाद आपकी अगर सारी जो ओटीपी वगैरह डाली आपने सही है तो ईकेवाईसी हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा और ओके करेंगे आप, तो उसके बाद आपके सामने जो आयुष्मान मित्र का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो पूरा का पूरा खुल के आ जाएगा, जो आधार से जो भी डिटेल है आपकी ऑटोमेटिकली भर के आ जाएगी। अब आपको सिंपली से क्या करना है, अपना एक ईमेल एड्रेस डाल देना है यहाँ पे, और जो भी डिटेल मांगी जाती हैं वो डिटेल और फोटो सेलेक्ट करके आपको जो है यहाँ पे अपलोड कर देना है। और उसके नीचे फिर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाएगा, तो अगर आपका सेम एड्रेस है तो इसका सेम ऐसे टिक कर लेना, आपका ऊपर वाला जो भी एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली भर जाएगा, अगर चेंज है तो वो फिर आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे फिर देखो डिक्लेरेशन के भीतर क्या लिखा हुआ है, आई एम नॉट करेंट यूज़र ऑफ एग्जिस्टिंग पीएमजेवाई सिस्टम, यानी कि पीएमजेवाई पोर्टल के जो भी पोर्टल्स हैं, जैसे कि बीआईएस पोर्टल जहाँ से आयुष्मान कार्ड बनते हैं, अगर सीएससी वीएलई हैं तो इसका एक्सेस है उनके पास, तो अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो अपने घर के किसी आईडी से करिएगा। हेल्थ वाला जो होता है वो अलग पोर्टल होता है, टीएमएस वाला अलग पोर्टल होता है, जो हॉस्पिटल वगैरह को एचएमएस और ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो ये सारे पोर्टल का अगर आपको उस नंबर से या उस आईडी से एक्सेस है तो वो यहाँ पे टिक मत करिएगा, और अगर ये तीनों पोर्टल का एक्सेस नहीं है तो यहाँ पे इसको डिक्लेरेशन टिक कर देना और इसको आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन क्लिक कर दोगे तो आपको ये जो पोर्टल्स हैं इनका एक्सेस मिल जाएगा।
इस पेज को पूरा भरने के बाद जैसे ही आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे आपको मोबाइल पे एक सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अगेन से जब भी आप आयुष्मान मित्र वाले पोर्टल पे जाओगे तो यहाँ पे आपको जब भी रजिस्टर वाले पे जाओगे वहाँ पे देखो आयुष्मान मित्र लॉगिन ऑप्शन दिया रहेगा। यहाँ से अपना जो भी मोबाइल नंबर है वो डाल के आप यहाँ से सिंपली से लॉगिन करोगे। लॉगिन आईडी में मोबाइल नंबर रहेगा, फिर ओटीपी आएगा और उसी से आपको पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, लॉगिन होने के लिए इंस्टेंसली आपको कोई भी सर्विस यहाँ पे पोर्टल पर शो नहीं करेगा। एक बार आपका डाटा वेरीफाई होने के बाद आपको जो भी तीन पोर्टल हैं उनमें से एक एक का एक्सेस मिलता जाएगा और फिर वहाँ से जो भी सर्विसेज हैं आप कर पाओगे। ठीक है, आयुष्मान मित्र की जो भी आपको आयुष्मान भारत के भीतर जो लिस्ट है पूरे गांव वाइज, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि आपको सारे लोगों की लिस्ट देख सकते हो, तो उसका लिंक पे जब आप जाओगे मोबाइल नंबर और ओटीपी डाल के फिर आप गांव वगैरह सेलेक्ट करोगे तो फिर आपके ग्राम पंचायत की जो भी लिस्ट है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर मैं अलग से अलग वीडियो बना दूंगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ सभी दोस्तों जरूर पूछेगा। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।